अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं एएमपी ने नेशनल टैलेंट सर्च 2021 का ऐलान किया है। ये टैलेंट सर्च स्कूल, जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर स्टैंडर्ड 8, 9, 10th के बच्चे, स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के बच्चे और ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉम्पटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कॉम्पटिशन बेसिकली स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आदत पड़े, इस मकसद के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले बच्चे, जो बच्चे विनर्स होंगे, उनको तकरीबन 5 लाख रुपये इनाम के तौर पर और तकरीबन 20 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ख़ास तौर पर जो कम्युनिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सेलेंट स्टूडेंट्स के साथ, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पर काम करती हैं, इन बच्चों को उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो खास तौर पर एक स्पेशली डिज़ाइंड मोबाइल ऐप पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो इस ऐप पर जाकर रजिस्टर करेंगे और इस ऐप पर एग्ज़ामिनेशन देंगे, ना सिर्फ वो एग्ज़ाम देंगे बल्कि आने वाले दिनों में भी वो हम सब के साथ कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा के लिए, जिसकी वजह से हम उनको लगातार जो है गाइड कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। ख़ास तौर पर करियर काउंसलिंग और गाइडेंस, स्कॉलरशिप असिस्टेंस प्रोग्राम, एडमिशन में असिस्टेंस, मेंटोरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एएमपी लगातार पिछले कई सालों से कर रहा है, वो इन बच्चों को ये सारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम लगातार आगे भी मदद करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ एएमपी बल्कि कम्युनिटी की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ग्रुप्स जो स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, उन लोगों के भी पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो गाइडेंस है, वो इस ऐप के ज़रिए आप सब लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोशिश करें और जो है इस ऐप के ज़रिए हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि सारे ही स्टूडेंट्स हम सब के साथ इसमें कनेक्ट होंगे। जो स्कूल सीनियर पहला एग्ज़ाम जो है वो 12th December को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद 19th December को स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर 26th December को जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसका फेलिसिटेशन या रिजल्ट्स कहें उसका अनाउंसमेंट 30 December के दिन किया जाएगा। सो मैं तमाम बच्चों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजिस्टर करें और इस एग्ज़ाम का, इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बनें। ख़ासतौर पर मैं स्कूल्स, कॉलेजेस के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और जो मैनेजमेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें रजिस्टर कराएं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।